हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एक नेचुरल थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, मतलब कि वो इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें कई बार उनके गुणों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी नहीं होती है। और इसी वजह से हम अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने स्वास्थ्य को उन सारी चीजों के होने के बावजूद भी खराब कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उन सभी लोगों के बारे में या उन सभी लोगों की स्किन के बारे में जिन लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारे स्टेरॉइड्स वाले कई क्रीम लगा करके अपनी स्किन को डैमेज कर लिया है, अपनी स्किन को खराब कर लिया है। अब वो उन क्रीम्स को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज्यादा बाउंडेड फील करते हैं कि वो उस क्रीम्स के एप्लीकेशंस को बंद नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह होती है कि दो दिन भी अगर वो क्रीम नहीं लगाते हैं तो उनका चेहरा वापस से बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दोस्तों, क्या सॉल्यूशंस हैं इन सारी समस्याओं के निदान के लिए, यही है आज के इस वीडियो का एजेंडा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने भी ऐसी गलतियां कर ली हैं और आप चाहते हैं कि अब वो गलतियां आप आगे ना दोहराएं और अपनी स्किन को वापस से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बेबी स्किन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बनता है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे किसी के काम का है तो डेफिनेटली शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्किन के ऊपर कोई स्टेरॉइड वाला क्रीम लगा लिया है, जैसे बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, या मेलाकेयर, मेलास्टेट, मेलाफोर्ट, मेलडम, या स्किन लाइट, स्किन ग्लो, स्किन ब्लस, या इसी तरह के बहुत सारे क्रीम्स अगर आपने लगा लिए हैं तो ये स्टेरॉइड्स वाले क्रीम हैं, डेफिनेटली आपको इन्हें डॉक्टर की गाइडेंस पे लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर की गाइडेंस में लगाने का फायदा क्या होता है कि डॉक्टर आपको, आपकी स्किन को एनालाइज करता है, और उसे एनालाइज करने के बाद में आपको सजेस्ट करता है कि आपको इन्हें कितने दिनों तक लगाना है, और इसके साथ में कौन से दूसरी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनसे होने वाले साइड इफेक्ट से रोका जा सकता है। लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं पता है, हम एक कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस व्यक्ति से स्किन की प्रॉब्लम को देख करके उसे मेडिसिन दे देता है और उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगता या वो जल्दी ठीक हो जाता है, तो उससे लगता है यार ये तो जादू वाली ट्यूब है, और वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। और कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है या उससे स्किन की प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाती है तो वो उस क्रीम का नाम सामने ले लेता है। हमारे हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में जाने के बाद भी कई बार बात करते हैं कि यार ये कर लिया होता ना तो आज तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। अरे आप सोचिए कि अगर वो ऑलरेडी एक ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस में है जिसने अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल किताबों के साथ निकाले हैं, तो डेफिनेटली वो सुरक्षित हाथों में है। वो ऐसे हाथों में है जहां पर उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं है। देखिए, जान हालांकि भगवान के हाथ की बात है, डॉक्टर सिर्फ प्रयास कर सकता है, तो उस प्रयासों की आपको सराहना करनी चाहिए। सो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर आपने वो ऑइंटमेंट्स लगा लिए हैं और अब आपको लगता है कि आपकी स्किन की लेयर निकलते निकलते पतली हो गई है, आपकी स्किन निकलते निकलते सेंसिटिव हो गई है, आपकी स्किन धूप में जाने पर रेड हो जाती है, आप उसे दो दिन नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर वापस से डार्कनेस आने लग जाती है, आपकी स्किन में जो चमक है वो चली जाती है, तो क्या किया जाए इन क्रीम्स को छोड़ने के लिए? तो इन क्रीम्स को छोड़ने के लिए आपको कम से कम एक महीने तक का प्रण लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही शब्द इस्तेमाल किया है, प्रण, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, हम छोड़ना चाहते हैं, हम दो दिन छोड़ते भी हैं, तीन दिन छोड़ते भी हैं, लेकिन दो दिन तीन दिन छोड़ने के बाद जब स्किन वापस से डैमेज दिखना शुरू हो जाती है तो हम वापस उसी ट्रैक पर जाना शुरू कर देते हैं कि यार ठीक है वही लगा लेते हैं। लेकिन इसको छोड़ने के लिए प्रण लेना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको बनानी पड़ेगी कि नहीं मुझे छोड़ना है। लेकिन इसमें सहायता कौन करेगा आपकी? तो सहायता करेगा ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नुस्खा क्या है? आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है। आपका जो पान की जो दुकान रहती है, इसको पनवाड़ी बोलते हैं, उस पान की दुकान से आपको पान के पत्ते लाकर के अपने घर में रख लेने हैं, फ्रीज में रख लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें 10-12 पत्ते लाकर के आप उसको रख लीजिए। रोज आपको एक पत्ता लेना है, इस पत्ते को आपको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है कच्चे दूध के साथ में। तो कच्चा दूध लीजिए, पान का एक पत्ता लीजिए और अच्छे से ग्राइंडर में या चॉपर में अच्छे से इसको चला लीजिए। जब आप इसे चला लेंगे तो एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा, है ना। इसमें दूध ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि दूध अगर ज्यादा डालोगे तो एकदम रनी पेस्ट बन जाएगा, और जब ये रनी पेस्ट बनेगा तो लगेगा नहीं स्किन पर, ठीक है। So what you have to do, आपको पानी, दूध सिर्फ इतना ही डालना है
ताकि आपका वो रनी पेस्ट ना बन जाए, बस थोड़ा थिक सा पेस्ट बन जाए ताकि लग जाए स्किन के ऊपर इजीली। इसे लगाइए, इस पेस्ट को लगाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़िए। आधे घंटे छोड़ने के बाद इसको कच्चे दूध से हटाइए। तो क्या करना है, पहले तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे रब करके निकाल लेना और फिर कॉटन में कच्चा दूध लेके उसको वाइप ऑफ करना। आप देखेंगे कि जितने भी साइड इफेक्ट्स आपने अपनी स्किन को दिए थे उस स्टेरॉइड वाले ट्यूब्स की वजह से, वो धीरे धीरे अब पान के पत्ते की वजह से कम हो रहे हैं। इसे रोजाना करना है आपको, ठीक है, और 1 महीने तक करना है, याद रखना। बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से लगा रहे हैं उन्हें डेफिनेटली हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी करना पड़े, लेकिन मैं ये श्योरिटी देता हूं कि एटलीस्ट आपको अगर आप ये ट्रिक स्टार्ट करोगे तो आपकी स्किन जो पीछे चली जाती थी ना, वो पीछे नहीं जाएगी। मतलब कि आपकी स्किन जो वापस से काली दिखना शुरू हो जाती थी, जो ग्लो नहीं आता था आपकी स्किन पे 2-3 दिन लगाने से खत्म हो जाता था, वैसा नहीं होगा आपके साथ में। और क्या होगा, धीरे धीरे आपकी स्किन ना हेल्दी होती चली जाएगी। तो बेस्ट टाइम क्या है इसको लगाने का, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बेस्ट टाइम होता है रात का। आप शाम को लगाइए, रात को लगाइए, अपने ऑफिस से आने के बाद, अपने घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद, क्योंकि आप उसके बाद ना स्किन को ताकत देके सो जाने वाले हो, और जब आप सो जाओगे ना तो आपकी स्किन ना रात भर में बहुत अच्छे से रिवाइटलाइज हो जाएगी। वापस से जो कोशिकाएं डैमेज हो गई थी ना, जो सेल्स डैमेज हो गए थे, वो रिजुविनेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो रिजुविनेट हो जाएंगे ना, तो आपकी स्किन जो है वो वापस से कुछ ही दिनों में वापस वैसी दिखाई देगी जैसी पहले थी। तो ये नुस्खा जरूर अपनाइएगा, बताइएगा मुझे कैसा लगा। आप एक्सपीरियंस करने से हमें, जब आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारी बताई हुई चीज आपको काम करके दे रही है, ठीक है, और ये मोटिवेशन हमें फिर से आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका ये मोटिवेशन आप हमें देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं, लेकिन हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, ताकि ये जो मुहिम है पॉजिटिविटी फैलाने की, खूबसूरती फैलाने की, स्वस्थता फैलाने की, इसको और भी ज्यादा जोर शोर से, तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।